मैंने वादा किया था संगमरमर की तश्तरी में पेश करूंगा, लेकिन बरखुरदार ये लीजिए चांदी की तश्तरी में पेश है। प्रेम, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मुद्दे आलोक प्रकाश ने मुद्दालय मिड्रिक अखबार के मैनेजमेंट और उसके एडिटर मिस्टर भड़ूचा के खिलाफ केस वापस ले लिया है, इस समझौते पर कि मुद्दालय मुद्दे आलोक प्रकाश को हर जाने के तौर पर ₹10 लाख देने को तैयार है। 10 लाख? अरे मैं तो और भी वसूल कर सकता था, लेकिन क्या वो, एक तो रात के 3 बज चुके थे, फिर वो बुड्ढा रोंगटा से फूट फूट के रोने लगा। मुझे उस पर रहम आ गया। क्या है, बुजुर्गों का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे भी खुशी से रोना आ रहा है, देखो ना कितने सारे सिफर हैं। हाँ, अरे आलोक क्या हुआ तुम्हें यार, स्माइल बरखुरदार, बॉम्बे के इतिहास में सबसे बड़ी रकम का हर्जाना मिला है तुम्हें, और तुम तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो जैसे तुम्हारा सब कुछ लूट चुका हो। तो क्या करूं मैं, तुम्हारी तरह नाचूं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन हफ्ते दो हफ्ते के बाद तुम क्रचेस के साथ चलने लगोगे, और फिर एक आध हफ्ते के बाद छड़ी लेके चलने लगोगे। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो भाई? ताकि तुम बहुत जल्द बैंक में पहुंच सको हल्के से लंगड़ाते हुए, और फिर इस चेक को शोभा कुछ मिठाई विठाई खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ सुनो सुनो सुनो। रूंटा सेठ ने समझौता कर लिया है। जान छुटा है साला, अपन जाता है पिक्चर देखने का वास्ते, इतना दिन से साला आप तो पिक्चर इस देखने को नहीं मिला। क्या कर रहे हो, केस खलास? नहीं, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं। मान जाते हैं सेठ, प्रेम सागर के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, वो बहुत ही चालू आदमी है। प्रेम सागर चालू है मगर आलोक प्रकाश नहीं, ये हमारा आखिरी मौका है। ए, किधर जाता है? सामने वाले फ्लैट में, तुम यही रहना, तैयार कैमरा पर सब शूटिंग करना। देखो आलोक बच्चे, अब तुम एक बहुत बड़ी रकम के मालिक हो चुके हो, अब तुम्हें ज्यादा होशियार रहना चाहिए, ये सारी दुनिया चापलूस और मतलबी आदमियों से भरी पड़ी है। वो तो मुझे मालूम है। खैर तुम तो खुशकिस्मत हो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम समझते हो कि मैं बहुत ही होशियार और काबिल वकील हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा होशियार और पहुंचा हुआ बिजनेसमैन हूँ। अब तो मुझे और भी होशियार रहना पड़ेगा। बिजनेस करने का सबसे बड़ा गुर है रुपयों को फैला देना, कुछ एक्सपोर्ट ट्रेड में डाल दो, कुछ के शेयर्स खरीद लो, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे प्रॉपर्टीज में डालो, वहां एडजस्टमेंट्स बहुत हो सकते हैं। प्रेम, जहां तक रुपयों को फैलाने का सवाल है, 50,000 मुझे भी चाहिए, ताकि मैं इस रकम से दिखा सकूं कि संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर के अलावा भी हस्तियां हैं। ओफो, ये फिल्मों का भूत अभी तक तुम्हारे दिमाग से नहीं उतरा? इस बार मैं दिखा दूंगी मैं क्या हूं। षणमुखानंद हॉल में मेरे गानों का मुहूर्त होगा, गवर्नर उद्घाटन करेंगे, लता मंगेशकर को चीफ गेस्ट लाऊंगी, और फिर मेरा पीआर होगा, सेक्रेटरी होगा, बस प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स की लाइन लग जाएंगी। फिर सिल्वर डिस्क, गोल्डन डिस्क, प्लैटिनम डिस्क, चारों तरफ डिस्क ही डिस्क होंगे। ओ प्रेम, डर है कहीं तुम्हें स्लिप डिस्क ना हो जाए। मगन भाई जासूस, आइए आइए आइए, आप अकेले आए हैं? वो पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आए? मैं एक मिनट के लिए अंदर जा सकता हूँ? यहीं से, यहीं से? मतलब आप तो जब भी आते हैं बालकनी से आते हैं या किताबों में छिपे माइक्रोफोन के जरिए? वो मामला तो खत्म हो गया, अगर इजाजत हो तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। शौक से, शौक से। मगन भाई, आपका काम खत्म हो गया, इस बात का बहुत अफसोस है हमें, कितने अच्छे पड़ोसी थे आप, 24 घंटे हमारे घर पे निगरानी रखते थे आप, मजा ले कुछ चोर घर में घुसाए। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था, मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन क्या है मगन भाई, कभी कभी चालाक लोमड़ी अंगूर पे लपकती है, और फिर नतीजा क्या होता है ये तो आप जानते ही है। अरे हाँ, वो हॉकी खेलने वाली नीला की कोई खबर मिली? नहीं, नीला को एक अच्छा सबक मिल गया, आजकल की लड़कियां कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हैं, किसी को कुछ समझती ही नहीं, कैप्टन बनकर सर फिर गया था उसका।
मगन भाई बहुत हो गया, आउट। औरत होकर मर्द पर हाथ चलाए, वो भी अपने बाप की उम्र के रेफरी के ऊपर। छी छी, ये सिर्फ एक वाहियात और मगरूर लड़की ही कर सकती है। अच्छा क्या उसे निकाल दिया। सामान खींच लूंगा तेरी अगर ज्यादा बकवास की तो। शुक्रिया आलोक। शाबाश आलोक भाई। जानी अगानिस की चलाती में बेवकूफ। बेवकूफ तो मैं हूँ। आलोक का भांडा पोड़ अखबार वालों से करती तो कम से कम 50,000 रुपए तो मिलते मुझे। निकाली। हाँ बॉस, अपन का कैमरा तो चालू था पर सुबह सुबह का टाइम है ना, रूम में लाइट थोड़ा कमती होता। सुनो तुमने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो बैठो ना। आओ ना प्लीज। हट। फिर से करके दिखा। जी हाँ। क्या कर रहे हो आलोक? एक्सपोजर कितना है? 5.6, 2.8 करो। अच्छा, और ग्लेयर काटो। राइट, रेडी? रेडी। ये उंगलियां ठीक हो गई? अब इस पैर का कमाल देखना। कैमरा ऑन रखना। मिला? पैर ठीक है ना? अब रीढ़ की हड्डी देखो। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। उठाओ, चलो उठाओ। ये सब भाजी। ये उठाओ, मेज उठाओ। अरे क्या बात है, चलो चलो उठाओ। अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश। रीढ़ की हड्डी देखा? देखा रीढ़ की हड्डी? तुम भी देखा? देखिए देखिए देखिए, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी देखिए। शाबाश शाबाश आलोक, शाबाश, करते रहो करते रहो। शाबाश शाबाश, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का कमाल देखो। आराम आराम। मगन भाई, मगन भाई, आपको आपको मिला जो चाहते थे, मिला। प्रेम, तुम कुछ करते क्यों नहीं? जो कुछ करना था आलोक ने कर दिखाया। सॉरी शोभा, तुम्हारे वो 50,000 गए, बच गई लता मंगेशकर। अब तुम कोरस में ही गाना। मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो यहाँ आ गई। तुम मेरा भांडा फोड़ करना चाहती थी ना, लेकिन तुम्हारा ही भांडा फोड़ हो गया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं ठहरो, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये 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 ये, ये। अब जाओ, अब जाओ, जाओ यहाँ से, दफा। मेरा संगीत। सॉरी जीनियस, मैंने तुम्हारा प्रोग्राम तो सब चौपट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं किसी और को आड़े हाथ ले लूंगा। पर खुदा तुम एक काम करो, इस गाड़ी का आज इस्तेमाल कर लो, कल तो ले ही जाएंगे। और उसको ढूंढो, नीला को, तुम्हारी सही जगह उसी के पास है। हम दोनों ने उस बिचारी के साथ बहुत ही नाइंसाफी की है, और हो सके तो मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना। लो, आज पहली बार लग रहा है कि शायद मेरी बहन ने ठीक जगह शादी की है। तुम्हारी बहन ने तो ठीक जगह शादी की है, लेकिन भाई इन लोगों में कहां फंस गया। अरे रुको रुको, एवान रुको, खेल खत्म हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे कुछ कहना है। कैमरा ऑन करो। चला दे कैमरा, क्या याद करेगा, बड़ा चला था हराने हमें। मैं प्रेम सागर, एडवोकेट BLLB, अपना बयान दे रहा हूं। मुझे अफसोस और ताजुब हो रहा है कि मेरा ही मुवक्किल मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मेरे मुवक्किल आलोक प्रकाश के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इस केस में रुपयों का कोई लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन मिडवीक अखबार के मालिक रोंगटा सेठ, उसके संपादक मिस्टर भड़ूचा और उनके वकील देसाई ने कानून के खिलाफ मेरे मुवक्किल आलोक प्रकाश की घरेलू जिंदगी में दखलंदाजी की है।
जो कि ताजीरा तहन दफा 365 के मुताबिक जुर्म है, इसलिए इन तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं बॉम्बे के कलेक्टर से फौरन अपील करूंगा कि मगन भाई नाम के एक प्राइवेट जासूस का लाइसेंस फौरन रद्द कर दिया जाए। मगन भाई ने ना सिर्फ इन तीनों की मदद की है बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के मुंह पर कीचड़ उछाला है। उन्होंने नीला देवी का अपमान करके नारी जाति का अपमान किया है, जो कि ना सिर्फ भारतीय संविधान के उसूलों के खिलाफ है बल्कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डिवीजन के सिविल राइट्स कमीशन के अंतर्गत, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी है, और इंटरनेशनल विजिलेंस कमेटी फॉर सिविल लिबर्टीज ICVKP ऑर्गेनाइजेशन, क्यों जला रही हो? यहाँ आज मेरे एक साथी के लिए एक आलिशान बेनिफिट मैच होने वाला था। याद है अपने उस साथी से तुमने अस्पताल में क्या कहा था? जो झूठ बोले उसकी खूब मरम्मत करनी चाहिए। आलोक प्रकाश छोटा है, फरेबी है, उसकी जी भर के मरम्मत करो। क्यों किया ऐसा आपने? क्यों किया? रुपयों की लालच में। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर रुपयों का ही लालच होता तो वो पहियों वाली गाड़ी छोड़कर आप यहां कैसे चले आए? इसलिए चलाया कि मुझे नफरत हो गई उस माहौल से, नफरत हो गई उन चरित्रों से, और नीला सबसे ज्यादा नफरत हो गई अपने आप से। लोकर लोचे जी में आए, फिर से तुम्हें कॉलर पहनाकर कुर्सी पर बिठाऊं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये सब छोड़कर कहां जा रही हो नीला? पता नहीं, लेकिन और हॉकी नहीं खेलूंगी। जी छोटा मत करो, हॉकी में तुम्हारा कितना नाम है, तुम अपने क्लब की कप्तान हो, अच्छा खासा खेल लेती हो। अच्छा खेलती थी लेकिन अब नहीं। ये तुम कैसे कह सकती हो? खेलते वक्त अगर पब्लिक जमकर ताने कसे तब समझ लेना चाहिए वक्त हो गया है। नीला जरूर तुम बुरा खेली होगी, अब क्यों नहीं खेलती? सारा वक्त तो तुम्हारे दिमाग में मेरा एक्सीडेंट घूमता रहता है। जो भी हो लेकिन मेरी हॉकी बंद। तो फिर अब क्या करोगी नीला? कुछ भी लेकिन और हॉकी नहीं खेलूंगी। मुझे चलना चाहिए, आज मैं बॉम्बे छोड़कर जा रही हूं। लाओ दो मुझे। टेलीफोन बज रहा है, क्यों उठाता क्यों नहीं? टेलीफोन? हाँ टेलीफोन सुनाई नहीं देता क्या आपको? यहाँ तो कोई टेलीफोन नहीं है। मैं कितनी नजर आ रही हूँ? दो। दो? एक नीला जो जिमखाना क्लब की कैप्टन है, और एक वो बेवकूफ लड़की जो बंबई छोड़कर भाग जाना चाहती। अब कल से रोज हॉकी प्रैक्टिस पर जाया करोगी ना? और अब बंबई छोड़कर भी नहीं जाओगी? नहीं। और कल से रोज मेरे घर आया करोगी? हाँ? शोभा मेरा घर छोड़कर चली गई है हमेशा के लिए। लेकिन वो... नीला हम दोनों का तलाक तो एक जमाने पहले हो गया था, और अब और आप
और अब मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकूंगा नीला।